पाकिस्तान इन दिनों जल रहा है, पाकिस्तान इन दिनों धधक रहा है, पाकिस्तान की सड़कों पर खून खराबा हो रहा है, पाकिस्तान में इन दिनों गृह युद्ध जैसे हालात है। वजह है कट्टरपंथी संगठन तहरीक ए लबैक पाकिस्तान के मुखिया साद रिजवी की गिरफ्तारी और फिर इस संगठन को बैन करना। इस वजह से तहरीक ए लबैक के लाखों समर्थक सड़क पर उतर आए थे। ये उपद्रवी साद रिजवी को रिहा कर फ्रांस के राजदूत को वापस भेजने की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान सरकार इन उपद्रवियों के सामने बेबस नजर आ रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने पूरे देश में सोशल मीडिया को 5 घंटे के लिए बैन कर दिया है। इस निर्णय के तहत फेसबुक, गूगल, ट्विटर, टेलीग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में हिंसा की हवा को और बढ़ाई जा रही है। दरअसल पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने पिछले साल सोशल मीडिया के लिए एक कानून प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 बनाया था, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया। बता दें कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में कट्टरपंथियों द्वारा भयानक उत्पात मचाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी निहत्ते पुलिस वालों को अपना निशाना बना रहे हैं। वहीं कई वीडियो में ये भी देखा गया है कि कट्टरपंथी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं एक वीडियो में सेना के कुछ जवानों को भी जिहादी भाषा बोलते हुए देखा गया था। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद पाकिस्तान के प्रसिद्ध शहर है, लेकिन ये तीनों शहर सबसे ज्यादा हिंसा से प्रभावित शहर है। पाकिस्तान में हिंसा और झड़पों के दौरान अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तहरीक ए लबैक पार्टी के समर्थकों ने फ्रांस के राजदूत को निष्कासित करने के लिए इमरान खान सरकार को 20 अप्रैल तक का समय दिया, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सोमवार को पार्टी के प्रमुख साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद TLP ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए।